ये है चैन प्रो ग्राउंड, बहुत बढ़िया है। अपोनेंट की टीम वो रही और YKC की टीम ये रही। ऊपर से आनंद भाई को तंग बहुत बढ़िया पेच काटा, लाजवाब। डोर झाड़ियों में फंस गई थी, बहुत ही शानदार पेच काटा, लाजवाब। झाड़ियों में फंस रही थी डोर, पता नहीं चला अपोनेंट को। देखिए क्या जजमेंट का पेच काटा, पतंग पेड़ में फंस गई थी, सिर्फ उसका अंदाज़ा आनंद भैया को ही रहा और अंदाजे से पेच काट दिया। एक्सपीरियंस का पेच बहुत बढ़िया। मैंने तो सब लगा दी, मेरे पास तो केवल 17 पड़े बस पूरे कर दिए। पतंगों में लगा दी कम से कम, पतंगों में लगी थी कम से 5-4 हवा काफी अच्छी है। नीचे से राइट हैंड साइड से आनंद भाई पतंग, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग। हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी है, रेंज 400 मीटर प्लेयर के अप्रॉक्स और ऊपर की तरफ से शायद 400 के आसपास। बहुत लाजवाब पेच काटा, पूरी पावर से खींच के नीचे। कम में कोई है ही नहीं, जो दोनों हजार के पेच है ना। रेंज बहुत दूर है, पतंग ने धोखा दे दिया। ऊपर से फिर से लड़ा रहे हैं प्लेयर, हवा काफी अच्छी है। नीचे से टक्कू का पेच है सौरभ का, हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी है, रेंज 400 मीटर।
बहुत बढ़िया पेच काटा टक्कू ने अपोनेंट। ये रे नीचे से राइट हैंड साइड से टक्कू की बताऊं, ऊपर से लेफ्ट हैंड से अपोनेंट की बताऊं। भैया पता नहीं हवा की स्पीड बहुत तेज है। बहुत बढ़िया पिच काटा भाई ने। बहुत बढ़िया पेच काटा कुछ नहीं था। नीचे से शुभम भैया का पता राइट हैंड साइड से जो अपन देख रहे हैं वो हमारी पता, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से ओनर की पता। हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया पेच काटा अपोनेंट ने। ऊपर से राइट हैंड साइड से सुरेश भाई की पतंग कंटिन्यू तीन पतंग काट रखी है। बहुत प्यारा पेच काटा सुरेश भाई ने। फिर से देख सकते हैं व्हाइट शर्ट के अंदर नीचे से राइट हैंड साइड से नोनी भाई पता, ऊपर से अपोनेंट की बताऊंगा। विशाल अब तुम बना लो यार, अपनी छोड़ो तुम। ये चार पतंग मनी भी पड़ी है, एक मैं तो छोड़ दूंगा। हां तो बस छोड़ दो तुम साथ में। बहुत बढ़िया पेच काटा। नीचे से राइट हैंड साइड से नोनी भाई की पतंग है। और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पता। नोनू भैया बहुत अच्छे कलाकारी के पेच चढ़ाते हैं। बहुत प्यारा पेच काटा, खींच के ले गए।
मैंने बोल दिया मैंने वो हरी डोर कौन होता था बोलो आज नहीं आया क्या वो गलत डोर है बोल दिया आप हाँ बोल दिया नीचे से नॉनी भैया की बताएंगे राइट हैंड साइड से अभी बोलने से क्या हो उसको अब तो वो लेके नहीं आएगा जान पूछ के आएगा ना ना अच्छी बात है नहीं लाएगा नीचे से राइट हैंड साइड से फोन करो पेज के लिए मर जाते यार हम लड़ाएंगे हाँ तो लड़ा लो पेज धीरे धीरे काट दिया ना नॉनी भैया का पेज दिखाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे पेज चढ़ाए इन्होंने अभी कंटिन्यू नीचे से राइट हैंड साइड से नॉनी भैया की पतंग है ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग कंटिन्यू पांच पेज काट चुके हैं हवा की स्पीड भी काफी अच्छी है बहुत प्यारा पेज काटा है डूब जाओ ले तो वेयर डूब जाओ नीचे रहा हवा तेज है डूब जाओ ले भाई तो ऊपर पे लड़ा रहे फिर भी लड़ा रहे आप तो जय मां बहुत अच्छा पकड़ ले करो थपक थपक जोर से बस 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 नॉनी वेगास छठा पेज लड़ रहा है आप देख सकते हैं नीचे से राइट हैंड साइड से नोनी बेगी पतंग थी बहुत बढ़िया सातवा पेज काटा इन्होंने कलाकारी का लाजवाब पेज देख सकते हैं नोनी भैया ने अभी साथ किए हैं नोनी भैया कैसा शौक हो रहा है बढ़िया शौक हो रहा है और हवा कैसी बढ़िया क्या आप लोगों के लिए बढ़िया आई एक्सपीरियंस कैसा है आपका आज का बहुत बढ़िया पेज काटे नोनी भैया ने हमारे नोनी भैया ने आज सात किए बहुत बढ़िया कम से कम नहीं तो 700-800 के छोटे चढ़ाए बहुत कलाकारी है शाबाश मजा आ गया सुरेश भैया कैसा रहा बहुत बढ़िया रहा नोनी भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की बहुत अच्छे से साथ किए अच्छी आवाज ऊपर से काट के सुरेश भैया ने चांस दी वेरी नाइस सुरेश भैया और हवा इतनी अच्छी चल रही है मैं विशाल टक्कू हम लोग बैठे हुए हैं पानी पिला रहे हैं सबको अभी विशाल का और राजेश का दोनों का टीम है मगर तू ना ये खेल चमकाने की पता नहीं क्यों ये लड़ाओ नहीं पंडित तो दोनों की हवा छूट गई नीचे से राइट हैंड साइड से आनंद भैया की ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग है रेंज लड़ रही है 600 मीटर हवा काफी अच्छी स्पीड की बहुत बढ़िया लंगर का एडजस्टमेंट से पिच काटा है अपोनेंट ने ऊपर से राइट हैंड साइड से सुरेश भाई पता बहुत प्यारा पेच काटा अंदर की पतंग बोलकर प्लेयर को नीचे बुलाकर काटा सुरेश भैया ने पेच सुरेश भैया वेरी नाइस सुरेश भैया बहुत बढ़िया पेच काटा लाजवाब पेच काटा के अंदर विशाल का पेच है नीचे से दे सकते हैं आप राइट हैंड साइड से जो पतंग देख रहे हैं वो पतंग विशाल की और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से बोनट की पतंग पतंग नचाते हुए विशाल
बहुत प्यारा पेच काटा है, लाजवाब, वेरी नाइस विशाल। जानदार पतंग है उसकी है ना विशाल, नीचे से आप देख सकते हैं पतंग, राइट हैंड साइड से जो आप पतंग देख रहे हैं वो विशाल की है और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग है। सही हो चुका है, हवा काफ़ी अच्छी है, रेंज लड़ रही है तकरीबन 250 या 300 मीटर के आसपास। अपोनेंट की जो डिस्टेंस है वो कम से कम आप देख सकते हैं 400 मीटर है और नीचे से जो प्लेयर लड़ा रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ के लड़ाता है तो उसकी थोड़ी डिस्टेंस कम हो जाती है पतंग नचाते हुए। ज़्यादा कलाकारी नहीं कर रहे हैं अभी पेश के अंदर, अपनों ने पतंग मुंह पर रख दी, बहुत बढ़िया पतंग काटी अपोनेंट ने, बहुत ताकत से पतंग खींची, ज़्यादा ही तेज़ हो गई। नीचे से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग और राइट हैंड से ऊपर से आप पतंग देख रहे हैं वो हमारी टीम की पतंग है। नीचे से अपोनेंट ने एक पतंग काट रखी है, हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी है, रेंज लड़ रही है 500 मीटर की। बहुत बढ़िया पट करके पेच काटा अपोनेंट ने, एक और फिर से पतंग तैयार करते हुए नौनी भैया मेरठ का मुड्डेदार, बढ़िया पेच कट गया। ऊपर से राइट हैंड साइड से विशाल की पतंग, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से अपन की पतंग, सही हो चुका है। मार ताकत से पिच काट दिया, बहुत बढ़िया पिच काटा विशाल ने। अरे यार विशाल तेरी बाहर आई है, पता नहीं हुआ ऐसा है कुछ बाहर की है, अंदर की थोड़ी सी। अरे अभी पेज में बाहर आ गई यार, तो ऊपर से पेज इसने गद्दा मारा ही हुआ है। अरे नहीं आप इसके विशाल ने काट चुका है, हमारे को इसके डोर पे डाउट हो रहा है जैसे विशाल पहले काटा। ऊपर से राइट हैंड साइड से हमारी पतंग, नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से अपन की पतंग, काट गया विशाल, बहुत बढ़िया पेच काटा। सपोर्ट दे मोबाइल। ऊपर से राइट हैंड साइड से विशाल की पतंग और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से पुनः की पतंग, अब कर सकता है, अब कर सकता है, बहुत उड़ गई पतंग। अरे कट गया पेच इसका, उसका लंगर उड़ गया, इसका लंगर जमीन पर उड़ गया। आदेश पेच पे सही हो गई है, ओए शाबाश, जंप बनाया चाचा पतंग, बहुत ही प्यारा पेच काटा आदेश ने, बहुत प्यारा पेच काटा आदेश का। एक और पेच है नीचे से आदेश, ओह कट गया। नीचे से लड़ा रहे हैं पंडित भैया, बहुत बढ़िया पेच काटे इन्होंने अभी, इनका नाम है शुभम। चार पतंग कंटिन्यू काट चुके हैं, मैं मेरे हाथ में पतंग होने की वजह से मैं आपको पेच नहीं दिखा पाया, बट मैं आपको अब पेच दिखा रहा हूँ। रेंज थोड़ी दूर लड़ा रहे हैं ये, प्लेयर के हाथ से डिस्टेंस देखा जाए तो 500 मीटर और मेरे हाथ से डिस्टेंस देखा जाए तो 600 मीटर हो चुका है। बहुत बढ़िया कलाकारी के पेच चढ़ाते हैं ये भी, बहुत प्यारा पेच काटा फिर से लाजवाब पेच काटा पंडित जी ने। और आप मौसम देख सकते हैं कैसा शो करा नहीं दिया, बहुत बढ़िया 10-15 टिकट आई हुई है, शायद 10-12-13 टिकट आई हुई है। हवा तो ऐसी है देखो, एकदम स्ट्रेट खड़ी है पतंगें।
बहुत मजा आ रहा है और अपोजिशन की टीम भी ठीक है, अच्छे पेस दे रही है, मजा आ रहा है। सुरेश भैया बताइए कैसा सीन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और सूरज डूबता हुआ लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। पतंग अच्छी हवा से अच्छी तरह लड़ रही है जी, हवा बहुत अच्छी चल रही है। करीब 12-13 पक्षियाँ हैं मेरे पास, नोनी भैया ने 7 वैसे भी कर रखे हैं अभी। बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाई है ये लोग। पतंग एक पर्ची और आ गई। राइट राइट, दो टिकट ले आना। दो टिकट की और आवाज लग गई। शुभम भैया का 5वां पेज आप देख सकते हैं, नीचे से राइट हैंड साइड से जो पतंग जा रही है वो शुभम भैया की, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से अपोनेंट की पतंग। बहुत बढ़िया पेच काटा अपोनेंट है। आप पीछे जाओ और पीछे जाओ, चाचा छोटी करते करते पीछे जाओ। बहुत प्यारा पेच काटा सुरेश भैया ने, लाजवाब पेच काटा सुरेश भैया, मजा आ गया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सुरेश भैया। नीचे से सौरभ की पतंग है, टक्कू के नाम से जानते हैं सब मैदान के अंदर, काफ़ी अच्छी पतंग लड़ाते हैं, अभी छोटे रेंज के खिलाड़ी हैं, काफ़ी बढ़िया, मतलब मोस्टली छोटे रेंज में ज़्यादा अच्छे पेच लड़ाते हैं ये, ऑलराउंडर प्लेयर है वैसे, पर मोस्टली तो जाने आते हैं छोटे प्लेयर के लिए, छोटे पेच के लिए सॉरी। नीचे से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से जो आप पतंग देख रहे हैं वो सौरभ यानी टक्कू की पतंग है, अपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की तरफ से पेच चढ़ा रहे हैं। बहुत प्यारा पेच काटा अपोनेंट ने। मैं कह रहा हूँ तुमको ऊपर से दिख रहा है, ये गद्दा मारा, बहुत प्यारा पेच काटा विशाल ने, जवाब विशाल लाजवाब। नहीं